रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु परीक्षण का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, जब आकाश में हजारों सूर्य विस्फोट करेंगे तब मैं मृत्यु बनकर आऊंगा। तो उन्होंने कृष्ण का एक अनुच्छेद कहा था भगवद गीता से। महाभारत और रामायण, आप उनके हथियारों का विस्तृत वर्णन देखेंगे जो आज के आधुनिक हथियारों से मिलते जुलते हैं। आप ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, आप तब भी सब कुछ जान सकते हैं। अगर आप विज्ञान को देखें जिस तरह इसे हम आज जानते हैं, तो वो व्याख्याओं से भरा हुआ है, लेकिन कभी भी सृष्टि के सबसे बुनियादी पहलू की किसी तरह की व्याख्या नहीं कर पाते। जो पहले से है उसके लिए व्याख्या है, और वो व्याख्याएं हर 5 साल में बदलती रहती हैं। और नए लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता रहता है। मैं पूरे विज्ञान का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह एक शानदार खोज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज दुनिया के टॉप के वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि यह सही रास्ता नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं कि हम नहीं जानते, हम कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन सृष्टि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी अपने आप में मानवता को बहुत फायदेमंद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पीढ़ी को लाभ और अगली पीढ़ियों का विलुप्त हो जाना एक बहुत ही छोटी सोच वाले फायदे हैं। आप देखेंगे पुराणों में महाभारत और रामायण जो पुराण संस्कृति के अंदर आते हैं, आप उनके हथियारों का विस्तृत वर्णन देखेंगे जो आज के आधुनिक हथियारों से मिलते जुलते हैं। वो ऐसी कोई चीज बस यूं ही नहीं बना सकते थे जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसकी संकल्पना ही कुछ 100 साल पहले मौजूद ना हो। और आप हैरान होंगे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें आधुनिक परमाणु हथियार का जनक माना जाता है, जब अमेरिका के लॉस एलामोस में पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था, तो उन्होंने कृष्ण का एक अनुच्छेद कहा था भगवद गीता से। और उन्होंने कहा था, जब कृष्ण इसके बारे में बोले थे तो कहा था, जब आकाश में हजारों सूर्य विस्फोट करेंगे तब मैं मृत्यु बनकर आऊंगा और संसार को झकझोर दूंगा। तो उन्होंने इस अनुच्छेद को लिया और इसे अमेरिका में हुए पहले परमाणु परीक्षण के विवरण के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि यही बात लगभग 5000 साल पहले कृष्ण ने कही थी। तो मैं इसे इसलिए बता रहा हूं, भौतिक विज्ञान के उन पहलुओं को खोजा गया था और खारिज कर दिया गया था, यह रास्ता मानवता के लिए नहीं है। अगर आप इस ओर जाएंगे तो यह विनाश का रास्ता होगा, यह सही तरीका नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी चीज को एक रहस्यवाद के आयाम में बदल दिया, जहां एक इंसान अपने आसपास के किसी भी चीज को कोई नुकसान पहुंचाए बिना असीमित रूप से विस्तार और खोज कर सके, किसी भी जीवन को परेशान किए बिना आप ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, आप तब भी सब कुछ जान सकते हैं। और एक इंसान के भीतर मूलभूत चाह विस्तार करने की होती है, वो इसे कैसे करता है यही एक सवाल है, या तो जीत हासिल करके या फिर अपने में समावेश करके, वो इसे कैसे करता है यही एक सवाल है। लेकिन यहां मनुष्य को बिना विस्तार के नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए जब हम रहस्यमयी आयामों की बात करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से अलग दिशा और आयाम में देखने और खोज करने की बात करते हैं। This needs a certain amount of reversal of everything you have done as life. इसके लिए जीवन के रूप में आपने जो कुछ भी किया है उसमें खास तौर के बदलाव की जरूरत है। अगर मैं कहूँ आपका जीवन, तो आप तुरंत अपनी नौकरी, बिजनेस, परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, अपने दोस्त और कई दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे, है ना?
बहुत कम लोग। सिर्फ अगर मैं आपके सिर पर बंदूक रख दूं और कहूं आप जीवन हैं, तब आप समझेंगे कि जीवन क्या है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये पैसा नहीं है, ये घर नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये और वो नहीं है। जीवन का मतलब है ये। आपकी लोकल ट्रेन का समय पर आना, हवाई जहाज का समय पर उड़ान भरना, आपका सेलफोन काम करना, कुछ और चीज होना, आपके बैंक अकाउंट का भरना, इन सब से जीवन नहीं बनता। नहीं, जिससे जीवन बनता है वो बस यही है, मिट्टी, बारिश, हवा, पहाड़, पेड़ और जो यहां धड़कता है, इसके भीतर जो चल रहा है, इस शरीर की हर कोशिका और सबसे ऊपर इन सब के पीछे जो चेतना है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने से आप ज्यादा नहीं बन पाएंगे, वो सिर्फ किसी के साथ तुलना में है। जब तक हर कोई आपसे थोड़ा गरीब ना हो, आपको $1 अरब हासिल करके भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ या नहीं? मान लीजिए कि दुनिया में हर किसी के पास $10 अरब है और आपके पास $1 अरब, क्या आप खुश होंगे? तो इसीलिए अरबों डॉलर से कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ सामाजिक तुलना है। आपके पास जो कुछ भी है या आपने जीवन में जो हासिल किया है, उसका दुर्भाग्य से तब तक कोई मतलब नहीं होगा जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे आप नीचा दिखा सकें। कृपया इस पर गौर करें। हाँ या नहीं? सिर्फ एक चीज जो मायने रखेगी वो ये है कि आपका बोध बड़ा है, आप कल की तुलना में ज्यादा जीवन का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी की तुलना की जरूरत नहीं है। कोई कैसे अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कोई समस्या ही नहीं है। अगर आप कल जो अनुभव कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा अनुभव कर रहे हैं, तो ये एक मंगलमय और सफल दिन है। आखिरकार सिर्फ यही एक चीज है जो इंसान को संतुष्ट करती है और कुछ भी नहीं।